हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज से आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आया हुआ हूँ, जहाँ पे हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स के थ्रू। जो भी टॉपिक न्यूज में रहेगा, जैसे कि अगर हम बात करें आज की 28 मार्च 2022, आज के न्यूज पेपर द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस या PIB में क्या टॉपिक न्यूज में है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने करंट अफेयर्स बनाया हुआ है। इसके अलावा हम लोग अगर कुछ टॉपिक इससे नहीं मिल पाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डाउन टू अर्थ या फिर APW से भी लिया जाएगा एंड अदर सोर्सेस से भी लिया जाएगा। डेली हम लोग क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चन हमारा टारगेट है, 10 क्वेश्चन करते हैं। मेरा कोशिश ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कवर किया जाए करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा ओकुल का जो करंट अफेयर्स वाला चैनल है, वहाँ पे कंप्लीट डिटेल में हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है और साथ ही में आपको PDF भी मिल जाएगा वहाँ पे जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी सुवेंद्र तिवारी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन ये कहता है कि आप लोगों को कंसीडर करना है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है द CUET इज अ कंप्यूटराइज्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेकंड, द रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल रिमेन अनचेंज्ड इन CUET। Which of the following statement is or are not correct? तो आपको options क्या है, 1 only, B 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर सही है, ऑप्शन नहीं। इसमें ये पूछ रहा आंसर क्या है, नॉट करेक्ट। कभी कभार इस पर भी आप ध्यान दे दिया करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से इतना ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन आपको इसमें दिक्कत कर जाएगा। क्या हुआ था कि आज का अगर आप न्यूज़पेपर देखें, इंडियन एक्सप्रेस का, कई सारे आर्टिकल CUET के बारे में हैं। ये CUET है क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि अब से CUET जो है इसको कंडक्ट किया जाएगा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के द्वारा प्लस, और ये बोला है कि इसमें जो कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम होगा और 13 लैंग्वेजेस में होगा, 13 लैंग्वेजेस में। साथ ही में जो CUET है ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है और CUET को मैंडेटरी कर दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उसमें 45 में हर जगह इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, जवाहरलाल JNU एंड सो ऑन। अब इसके क्या फायदे देखिए, पहला क्या हुआ करता था कि कई दिल्ली, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम बारे में बात करें, लास्ट ईयर की 2021 में DU का जो कट ऑफ है 10 कोर्सेज के लिए 100% कट ऑफ गया था। आप सोचिए, जो बच्चा सिर्फ 1% से अगर रह गया है तो वो उसको इस कोर्स में जाना ही नहीं पाएगा। और अगर सेकंड इसमें ये था कि कुछ ऐसे बोर्ड हैं जैसे कि पर्टिकुलरली केरल बोर्ड का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और अगर इसको कंपेयर करें अदर स्टेट्स जैसे कि UP एंड बिहार, तो ऐसे केसेस में जो केरल बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को आसानी से एडमिशन मिल जाता था, और जो पिछले जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उन लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता था। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि बच्चे के 12th में मार्क्स क्या हैं ये मैटर नहीं करता, उसके मार्क्स 100% हैं तो भी उसको CUET देना ही पड़ेगा, CUET के मेरिट के बेस्ड पे उसको एडमिशन मिलेगा। अब आपको समझ में आ जाएगा पहला स्टेटमेंट क्या है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गलत क्योंकि यहाँ पे NTA कंडक्ट करता है, हेंस फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड बिल्कुल सही है, रिजर्वेशन की पॉलिसीज ही चेंज कर देंगे तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा, हेंस द करेक्ट आंसर इज ए। पूछा गया था इनकरेक्ट तो करेक्ट पूछा है ए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 164 सेज दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अनुच्छेद 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ गवर्नर के, राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में तब तक रहते हैं जब तक गवर्नर चाहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, द सैलरी एंड द अलाउंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वही उसकी सैलरी, उसकी अलाउंस ही डिटरमाइन करते हैं मुख्यमंत्री के। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 and D है 1, 2 and 3। ये क्या हुआ, अभी देखिए हाल ही हाल में 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री को पद के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब उसी के संदर्भ में कई सारे
जगह जो आपने देखा होगा न्यूज में चल ही रहा था मुख्यमंत्री से रिलेटेड, कई जगह गवर्नमेंट बना ली, कई जगह गवर्नमेंट नहीं बनाई, एंड सो ऑन। इसी पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी बात चल रही है। अब हमारा ये है कि ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल जो अनुच्छेद 164 है वो यही बोलता है कि मुख्यमंत्री को गवर्नर राज्यपाल ही अपॉइंट करेगा। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, अगर आप शेड्यूल में देखा जाए तो इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि जो सैलरी एंड अलाउंस होगा वो मुख्यमंत्री का, वो डिटरमाइन किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि मुख्यमंत्री का जो टर्म है वो फिक्स है या नहीं है। याद रखिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, इनका जो कार्यकाल है, जो टर्म है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो फिक्स नहीं है। याद रखिएगा, कहीं पे भी अगर आ जाता है, आंख बंद करके आप ये मत सोचिए कि अच्छा प्रधानमंत्री 5 साल के लिए, मुख्यमंत्री को भी 5 साल के अपॉइंट किया जाता है। अगर आपको सबसे ज्यादा डाउट हो इस चीज को, तो 1990 से लेके 1999 तक का आप देख लीजिए, 99 से पहले, तो 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई हुई थी, उस समय तो काफी ज्यादा उन्होंने 5 साल का बल लिया, लेकिन उससे पहले जो सरकार थी वो बहुत कम दिन ही टिक पाई थी। तो यही बोल रहे हैं, कई सारी सरकारें यहाँ पे बदली, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बने उसके बाद हट गए। तो सिमिलरली आप ये भी एग्जाम्पल मुख्यमंत्री के संदर्भ में ले लीजिएगा, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं रहता है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज नेम, कुमारस्वामी, उनका भी कार्यकाल फिक्स नहीं, उनको किसी पार्टी, मतलब उनकी मेजोरिटी ही खत्म हो जाए, अगर याद रखिए जब तक वो मेजोरिटी होल्ड करते हैं हाउस में, तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। जिस दिन उनकी मेजोरिटी गिरी, सरकार गिरी, दूसरे मुख्यमंत्री रहेंगे। तो 5 साल का फिक्स नहीं है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, आंसर है हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू द कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम CSWS, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ये एंगेज करेगा टारगेट लोकेशन अराउंड द कॉर्नर एज द सिस्टम बेंड, क्योंकि ये बोला गया इसमें जो सिस्टम वो बेंड हो जाता है और कैप्चर करता है वीडियो फीड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन एंड टू। देखिए क्या हुआ है, जो कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम है, इससे CSWS, इस सिस्टम को CRPF और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में एडवांस स्टेज पे है, ये एडवांस स्टेज पे है, और ये बोल रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द इंडक्ट कराया जाएगा, इसको जल्द से जल्द इंडक्ट कराया जाएगा, और CSWS जो है कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, इसको बनाया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। सो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या है कि हम लोग का, अगर आपको इसका फुल वीडियो देखना है, तो ओकुल का करंट अफेयर्स, जो ओकुल करंट अफेयर्स चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे जाके इस फुल वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे हम लोगों ने और भी क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है, कई सारे क्वेश्चंस हम लोग वहां पे लेके आए हुए हैं, आप फुल वीडियो देखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी हमारे इस एफर्ट से बेनिफिट मिले। वीडियो अच्छा लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, साथ ही में लाइक करना मत भूलिएगा, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन उससे मिलता है, जितना ज़्यादा अगर लाइक्स होते हैं, लोगों के कमेंट आते हैं। देखिए इसी से ही हम लोग ये कोशिश ये करते हैं, आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए जो आपके लिए यूजफुल रहे, और आप लोगों के लिए हम लोगों का टारगेट रहता है कि आप लोगों के लिए हम लोग काम करें, जो भी आपकी डिमांड होगा हम लोग पूरा करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा, आप हमारे साथ वेरियस सोशल मीडियाज के प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो थैंक्स टू ऑल फॉर दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन एंजॉय लर्निंग विद ओकुल।